बकरीद त्योहार में कोरोना असरदार सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं धनबाद वासेपुर के लोग। आपको बता दें, वैश्विक महामारी के चलते धनबाद के वासेपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए और सरकार के आदेशों का पालन करते नजर आए। वहीं बकरीद और लॉकडाउन के चलते शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। पुलिस घर से बाहर निकलते लोगों से अपील करते नजर आई। वहीं आपको बता दें, धनबाद जिले में कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से ईद उल अजहा के दिन तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई, जिसका असर धनबाद के वासेपुर में देखने को मिला। वहीं रशीद रजा अंसारी कांग्रेस नेता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ईद की नमाज अपने घरों पर ही रहकर अदा करें और चैन अमन की दुआ करें। तो ईद उल अजहा की नमाज और ईद उल अजहा की मुबारकबाद मैं और पूरे मेरे परिवार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को देना चाहूँगा। आज ईद उल अजहा है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये आपदा जो घड़ी है इसमें हम लोगों ने ही और पूरे सरकार ने आह्वान किया था कि घर पे ही नमाज पढ़ें, इकट्ठा होकर नमाज ना पढ़ें। यही कारण है कि आज अपने पूरे परिवार के साथ हमने अपने एक इमाम को बुला करके अपने भाई और भतीजा के साथ यहाँ पे नमाज अदा किया। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। कुर्बानी वो अल्लाह का नेक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये बहुत लंबी कहानी है। अल्लाह ने एक बार पूछा, ए इब्राहिम, तुमको इस दुनिया में सबसे प्यारा चीज़ कौन है? तो उन्होंने कहा, हमारा बेटा। तो बोले, क्या हमारे बेटे को मेरे नाम से तुम कुर्बानी दे सकते हो, कुर्बान कर सकते हो? तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं कर सकते हैं, अल्लाह आपके लिए सब मंजूर है। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए कि उनका जो दिल था कि अपने प्यारे सबसे प्यारा चीज़ को उन्होंने अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए पेश किया। जैसे ही पेश किया, फिर वहाँ पे एक तुम्बा आ गया और उसी समय से ये प्रथा चलने लगी कुर्बानी की। तो अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि जो लोग साहिब निसाब हैं उसको कुर्बानी देनी चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार अपने पूरे परिवार और कांग्रेस परिवार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद।